ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोई भी निर्णय पर हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे, कोई भी डिसीजन हम क्यों नहीं ले पा रहे, परिवार, व्यापार, शिक्षा, रोजगार, फैमिली, जिस भी विषय में हम अभी जीवन में चल रहे हैं, या हम खुद के लिए एक सेल्फ डिसीजन या खुद का एक निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे। और आपके साथ ये बार बार क्यों होता है लाइफ के हर एक एंगल पर, हर एक पहलू पर, जो आपका निर्णय शक्ति कमज़ोर हो रहा है या निर्णय लेने में आप बहुत कमज़ोर हैं, वो बहुत ज़्यादा डरावना है। और निर्णय शक्ति ही किसी भी व्यक्ति के जीवन की दिशा बनाता है। निर्णय लेना मन और दिमाग की अवस्था होती है, राहु और चंद्र दोनों इसमें कारगर होता है, और इन दोनों की भ्रम जाल में हम बस फंसते जाते हैं और निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि फिर बाद में जब वो वक्त निकल जाता है तब हम ये सोचते कि शायद हम उस समय ये निर्णय ले लेते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो ऐसा पश्चाताप या ऐसा निर्णय लेने में कोई भी तकलीफ जीवन में कभी नहीं हो तो ये वीडियो पूरा देख लो, ताकि आप इस अवस्था से बाहर आ जाएं और आपका निर्णय लेने की शक्ति में अमूल परिवर्तन हो। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही अगर कुंडली का विश्लेषण आप हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल ही रहे, आप आए व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात करें, उसका फीस लागू है। सबसे पहली बात, एक डर जो मन में डर पाल के रखा है आपने कि इस निर्णय से ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये डर सब काल्पनिक है, इससे बाहर निकलो। जब इससे बाहर निकलोगे तो निर्णय लेने में आपकी आधी परेशानी खत्म हो जाएगी। जो भी होगा, जो भी निर्णय लेने के बाद जो भी डिसीजन होगा या जो भी चीज़ें हमें फेस करना पड़ेगी वो हमारी होगी, क्योंकि निर्णय हमारा है। दूसरों के थोपे हुए निर्णय पर मत चलिएगा। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब कभी भी निर्णय ले तो अपने आप एक कमरे में बैठकर शांत मन होकर निर्णय को ले। लोगों की बातों में, लोगों की भीड़ में, लोगों को देखकर निर्णय नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उनको देखकर अगर निर्णय लिया जाता है तो उसमें परेशानी हमारी बढ़ जाती है। तीसरा, अपने इष्ट पर यकीन, अपने भोलेनाथ पर यकीन करके कोई भी निर्णय ले लें कि मुझे ये चीज़ करनी है और बस आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ जाए, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो उस पर ज़्यादा सोचे नहीं, क्योंकि निर्णय आपका है। क्योंकि जितना वक्त आप निर्णय लेने में लगाएंगे उतनी सारी चीज़ें आपके साथ नेगेटिव होगी। चौथी बात, हमेशा सकारात्मक अप्रोच रखें, सकारात्मक खुद को सकारात्मक रखें और अपने निर्णय को भी सकारात्मक वे में लें। ये सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। ओम नमः शिवाय।